तो इस समय जनाब शक्तिनगर के ऑपोजिट जो नया फ्लाईओवर बना है जनाब, उसके बाहर जो है हम खड़े हैं। और जिस तरह आप कैनाल रोड से जब आप मुट्ठी की तरफ जाएंगे तो आपको कई इस तरह के खूबसूरत जो पेंटिंग्स हैं ये आपको पिल्लर्स पे देखने को मिलेगी, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो इस पिल्लर पे रुका है। क्यों? क्योंकि जनाब आप ये देखिए, महादेव जी की पेंटिंग जो है कितनी खूबसूरती तरीके से बनाई गई है, लेकिन क्या हमें इस तरह की पेंटिंग करना जो है ये कितना सही है, ये आप पहले कमेंट्स पर बताए। देखिए ये महादेव जी की पेंटिंग बनाई गई है और नीचे आप ये देखिए कितना गंद जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। जम्मू में स्मार्ट सिटी के तहत अलग अलग जगहों पर पेंटिंग जो है वो की गई हैं, बहुत बढ़िया है, ऐसा होना भी चाहिए। और जिस तरह अलग अलग जगहों से टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू आते हैं और इस तरह के चित्र देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी भावना लेके जो है वो जम्मू से लेते हैं, लेकिन इस तरह की पेंटिंग जो है जनाब ये रुकनी चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम भगवानों की पेंटिंग जो है वो हम सड़क पे, दीवारों पे, कहीं पर भी हम वो चित्र बनाएं। और देखिए दूसरी तरफ की अगर बात करें तो जनाब ये आप ही देखिए भगवान कालीवीर जी की भी यहाँ पे मूर्ति है, और ठीक उसी के सामने देखिए जनाब यहाँ पे आप देखिए कितना गंद जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये देखिए, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है एक और मंदिर है, और ये नया फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर ऊपर है और ये नीचे हाईवे है, यहाँ से आप बिल्कुल जीवल की तरफ का रास्ता है। और अगर दूसरी तरफ की बात करें तो यहाँ से आपको मुट्ठी का रास्ता मिलेगा। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पेंटिंग ने हमारा ध्यान जो है वो आकर्षित इसलिए किया क्योंकि जनाब ये देखिए महादेव जी की पेंटिंग है, और उस पेंटिंग के नीचे इस तरह का गंद होना जनाब ये आप ये बर्दाश्त नहीं करेगा जम्मू। और उम्मीद करते हैं कि जनाब खबर से जो है ये असर हो, आइंदा आगे से भगवान की पेंटिंग जो है वो हमें सड़कों पर देखने को ना मिले, और हो सके तो जनाब इस पर भी कोई एक अच्छी पेंटिंग बनाए जिस तरह पहले भी जो पीछे पिलर्स है उन पर की गई है, यहाँ पर भी कोई एक अच्छी सी पेंटिंग बनाए। लेकिन भगवान की पेंटिंग जनाब ये आप कितना सही मानते हैं खबर के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा।